Hey guys, good morning and welcome back to my channel. Hope you all are doing good. आज है हैप्पी हैप्पी संडे और हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे श्रीनाथ जी जाने का, दर्शन करने का, बट फाइनली आज वो दिन आया है तो हम जाएंगे. यज्ञ इज ऑल्सो देयर. टी वी देख रहे हो सुबह 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 के, वैसे 9:30 बज गए हैं और मैं पूजा करने बैठी हूँ. तो हम निकलेंगे घंटे भर में करीब कुछ, और मुझे ये कराने का भी मन नहीं कर रहा है. बताओ, पार्लर एक गली आगे ही है घर के, पर मैं एनीवेज करती हूँ. मैं भी फटाफट से पूजा और फिर चलते हैं श्रीनाथ जी. हर हर महादेव. हर महादेव. जय जय गुरुदेव. हम कहाँ जा रहे? पाता दीदी वा वो डाली पापे जी वो मॉल पे बिताई थी. मॉल पे कहाँ जाएंगे? इसे पुआई पापा दी मॉल पे बिताई थी. नहीं, आज संडे, आज तो मॉल इज नो. संडे सैटरडे मॉल नो. अरे यस मॉल आते जी अपन मॉल नहीं थे. निकल चुके हम लोग श्रीनाथ जी के लिए, और ब्रेकफास्ट ऑफ कोर्स किया नहीं था क्योंकि दर्शन 12 बजे के करने थे. तो हम लोग यहाँ पर आए हैं और यज्ञ विल हैव हिज समोसा, और मैं भी आज समोसा खाऊंगी. तुमको समोसा खाना, और यज्ञ अपने एनिमल्स को अपनी पॉकेट में भर के लाए भाई साहब, है ना? पहले अपनी स्लीव्स में भर रहा था वो. गंदी बात. पहले अपनी स्लीव में भर रहा था. हाँ, अब बोलो हाय. फिर आई वाज लाइक कि अपनी पॉकेट में डाल लो यार, स्लीव्स में कौन डालता है. तो पॉकेट में भर के लाया और बस हम जा रहे हैं. और बज कितने रहे अभी? 11:15. जाते हैं तो हर हर महादेव तो मिलते ही हैं, दर्शन होते ही हैं, और मैं फोन में हमेशा रिकॉर्ड भी करती हूँ उनको. हर हर महादेव. चलो चलो चलो. आज चलो यज्ञ दर्शन के लिए लेट हो रहे हैं. रन. आ गए हैं श्रीनाथ जी. अच्छा यज्ञ, अपन कहाँ आए? जोर से बोल के बताओ. चिनोजी. चलो चलो चलो, पापा से पहले पहुंचना. आ गए पापा. गिर जाओगे? कम कम. आ रहे पापा, गिर जाओगे तुम. जल्दी आओ. अरे यज्ञ जब भी मेरे साथ चलता है और मैं आगे आगे चलती हूँ तो बोलता है मम्मा स्टॉप रेड लाइट. वेटिंग फॉर हिज पापा टू कम. यज्ञ रुको. अरे नीचे क्यों जा रहे हो? पापा तो फटाफट चढ़ जाएंगे, अपन नहीं चढ़ पाएंगे. रेड लाइट स्टॉप. देखो मैं जरा सा आगे जाती हूँ और यज्ञ बोलता रेड लाइट स्टॉप. नहीं होगी रेड लाइट स्टॉप तो ट्रैफिक कहाँ है इधर? ये देखो पापा तो आ गए फटाफट.
अरे तुम ऊपर आओ आप। ये है मंदिर जाने का रास्ता, और रास्ते में माता जी का मंदिर भी है, जय माता दी। सीधे चलते जाते हैं तो काफ़ी सारी शॉप्स हैं, भगवान जी के वस्त्र हैं, उनके श्रृंगार का सामान है, हमारे लिए दुपट्टे हैं, साड़ीज मिलती हैं, और फ़ोटो फ्रेम्स की शॉप है जिसमें इतनी खूबसूरत श्रीनाथ जी की तस्वीरें मिलती हैं, यार दिल अटक जाए ना ऐसी वाली, मतलब शॉप के सामने से हटने का ही मन नहीं करेगा, आधी बार तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। और बच्चों के लिए टॉयज़ भी हैं, टॉयज़ की शॉप्स भी हैं, खाने पीने का सामान भी है, तो 1.5 किलोमीटर को चलना पड़ता है और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यहाँ मोबाइल डिपॉजिट करा सकते हैं बिकॉज़ मोबाइल इज़ नॉट अलाउड मंदिर में, और उस दिन संडे था तो काफ़ी लोग भी आए हुए थे, तो हम लोग बस सब काम कर कुरा के यहाँ पे शूज़ भी उतारते हैं, जहाँ मोबाइल भी डिपॉजिट करते हैं तो वहीं पे शूज़ भी रिमूव करने का है, तो वो सब करके अंदर दर्शन करने भी गए, फिर दर्शन करके वापस भी आ गए, वापस मोबाइल भी ले लिया, शूज़ भी पहन लिए, और अब हम जा रहे हैं वापस से घर। हम जब जा रहे थे वापस तो मंदिर में आरती चल रही थी, तो हम आरती अटेंड करने के लिए रुक भी गए थे और अच्छी सी आरती भी अटेंड कर ली, और यज्ञ भाई साहब ने अपने लायंस भी ले लिए, 2-2 हैप्पी लायंस। मतलब मैं उधर आरती कर रही थी, उतनी देर में यज्ञ ने अपने पापा को कैसे भी करके पटा के कन्विंस करके ये लायन ले लिए, तो ये बच्चे इतने प्यारे और मासूम होते हैं, इनको सब पता होता है मम्मा और पापा को कैसे कन्विंस करना है, बच्चे बड़े भोले होते हैं। तो हम लोग वापस जा रहे हैं और प्लान बना है ढाबा लॉजी जाएंगे और वहाँ की दाल पार्टी खाएंगे, और तो ये मुझे इतना खूबसूरत लगता जा रहा था, मैंने इसलिए इसको भी शूट कर लिया, इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बना कर रखी थी, बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम आ गए फाइनली ढाबा लॉजी पे, और ये पड़ता है उदयपुर से 16 किलोमीटर्स और नाथद्वारा से 28 या 27 किलोमीटर्स, और हम लोग जा रहे हैं अंदर क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा कि मेरी दोनों आँखों में सिर्फ खाना ही घूम रहा था, दिमाग में भी खाना घूम रहा था क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया था। तो हम लोग पहुँचे अंदर तो उस टाइम पूरी फुल वेटिंग चल रही थी, मतलब दिन में फुल था वो, तो हम वेट कर रहे थे, और लाइट्स भी मुझे बहुत सुंदर लग रही थी वहाँ की, इतनी सुंदर सुंदर लाइट्स थी, तो रात में सुंदर लगता होगा ये। यहाँ बन रही हैं चूल्हे पे बाजरे की रोटियाँ, और मैं यज्ञ को लेके गई बाहर थोड़ा सा डिटूअर देने के लिए उसको, और हैंड वॉश भी करा दिया। फिर उसके बाद यज्ञ ने बोला मुझे स्विमिंग पूल देखना, नहीं दिख रहा है अब, दिख रहा है पूल दिखाने के लिए, दिखा ह्यूज हाथ मत लगाना, अब सब मिट्टी वाले हो जाएंगे, चले। प्लेट्स लग चुकी थी, और ये स्टार्टर्स के तौर पे जो मक्के की पापड़ी खींचे होते हैं वो आए थे, और चटनी आई थी, और हमारी दाल बाटी भी आ गई, और फटाफट मैं तो टूटी पड़ी, पर क्योंकि मुझे शूट करना था तो मैंने थोड़ा पेशेंस रखा। बाटी को मसल के अच्छे से हाथ से खाने में जो सुकून मिलता है वो सुकून एक दाल बाटी खाने वाला इंसान ही समझ सकता है। बस बाटी को अच्छे से मसल के गरम दाल डाल के उसमें थोड़ा घी डाल के लहसुन की चटनी विद छाछ, यज्ञ को पिज़्ज़ा खाना था तो यज्ञ के लिए मंगाया था पिज़्ज़ा, और वो विदाउट टॉपिंग ही पिज़्ज़ा खाता है, उसकी सारी चीज़ मुझे ही खानी थी क्योंकि वो चीज़ नहीं खाता है, और वो चीज़ हटवा के सिर्फ ब्रेड और सॉस खाता है, वो उसको इन्जॉय करता है, और सारी चीज़ आधी बार तो चीज़ मुझसे खाई नहीं गई, पर मैंने फिर भी जितनी खाई उतनी खाई, बाकी मैं नहीं खा पाई। सो यज्ञ तुम जब बड़े हो जाओ ना तब ये देखना कि तुम पिज़्ज़ा कैसे खाते थे। कार में बैठते यज्ञ को नींद आने लग गई, और यज्ञ नींद के झोंके खाने लग गए हिलते डुलते, और घर आते ही यज्ञ की आँख खुली और उसके साथ यज्ञ की नींद भी उड़ी। एंड सी गाइस वी आर बैक, और हम लोग क्या, मैं तो इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि मेरे को सोना नहीं है पर रेस्ट करना है, और भाई साहब को नींद आ गई थी कार में, और अब इनको क्या देखना है, टीवी टीवी के लिए ये भाई साहब हमसे नाराज़ हो रहे हैं कि मैं आपसे नाराज़ हूँ,
पिद्दे पिद्दे से बच्चे नाराज होने लगते हैं, पिद्दे पिद्दे से बच्चे नाराज होने लगते हैं। नाराज हो तुम? अभी भी नाराज हो पिद्दू? मामा पिद्दू। मम्मा नहीं तुम, पिद्दू मतलब छोटू। बहुत बढ़िया वाले दर्शन हो गए अच्छे से और बहुत खा भी लिया है, तो बस अब बिस्तर दिख रहा है तो आके पड़ गए हैं बिस्तर पे। उठेंगे थोड़ी देर से, इनको सुलाने में लगी हूँ मैं कि ये जल्दी से सो जाए तो अच्छा हो, नहीं तो लेट सोएंगे तो पूरे शाम और रात बिगड़ती है, समझे तुम यज्ञ? मेरी जिया ने यज्ञ के लिए टॉयज वाले रखे जर्मनी में, तो जिया वीडियोस बना के भेज रही थी कि ये यज्ञ को दिखाना, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग में भी डाल देती हूँ। यज्ञ को पुलिस कार इतनी ज़्यादा पसंद है ना, एंड एवरी टाइम ही डू वीवू वीवू वीवू, तो जिया भी वही कर रही थी। और ना मैं और जिया फॉक्स ट्रैवलर देखते थे ना साथ में, तब ये चूरोस बनते हुए देखते थे, उस पर फॉक्स ट्रैवलर पर हमने इतना कुछ बाहर का बनता हुआ देखा है, एंड शी इज़ हैविंग एवरीथिंग देयर। मतलब बहुत छोटी बात नहीं है हमारे लिए, हम ही जानते हैं कि वॉट इट मीन्स फॉर अस, तो इसलिए इसने मुझे ये वीडियो बना के भेजा था, तो मैंने सोचा मैं ये व्लॉग में भी डाल देती हूँ। जिया और जिया की फ्रेंड रहते हैं बर्लिन में, और अभी ऐश भी दिखेगी। हाय ऐश। तो मैं मेरा व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू कमेंट शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो शीज ऐश। और जब भी मैं इनसे मिलूँगी ना तो मैं आपको भी मिलवाऊँगी, आई डोंट नो इन इंडिया और इन बर्लिन, बट जल्दी मिलाऊँगी। सो हाय ऐश एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, चूज़ टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।